सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी, सिंदूर का सिंघौरा, झपनी की झपनी, धैर्य पूर्वक सबकी बातों को सुनो, किंतु सुनकर आंख मूंद कर मान मत लो। निवेरिए अपनी, अपने विवेक से उसका निवेरा करो कि इसमें कितना सही है और कितना गलत है। जो सही लगे उसका ग्रहण, जो गलत लगे उसका त्याग। साहब कहते हैं ऐसा करना उसी प्रकार है जैसे सिंदूर का सिंधौरा, झपनी की झपनी। सिंदूरदान में ढक्कन जो होता है वो दोनों काम आ जाता है, सिंदूरदान भी हो जाता है, ढक्कन भी हो जाता है। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय, इस साखी में सदगुरु कबीर थोड़े में बताते हैं। सदगुरु कबीर जैसा खंडन करने वाला दुनिया के इतिहास में मिलना मुश्किल है। उन्होंने कभी किसी की गलती से समझौता करना सीखा ही नहीं था। जिसकी भी गलती उन्होंने देखी, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना पूज्य हो, प्रतिष्ठित हो, धनवान हो, राजा हो, बादशाह हो, उन्होंने किसी का मुलाहिजा नहीं किया। जिसकी गलती देखी सबके बीच खुल करके कह दिया, किसी प्रकार का पाखंड, अंधविश्वास, किसी प्रकार की झूठाई उन्हें पसंद ही नहीं थी। जितना खंडन साहब ने किया उतना कोई खंडन नहीं किया। लेकिन इतना निर्मम होकर खंडन करते हुए भी सदगुरु कबीर का खंडन विध्वंस के लिए नहीं था, किंतु उनका खंडन एक सुंदर और स्वस्थ मानव समाज के निर्माण के लिए था। ऐसा नहीं है कि सदगुरु कबीर जिनका खंडन करते हैं उनमें कोई अच्छाई नहीं है और उस अच्छाई को सदगुरु कबीर जानते नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। वे जानते थे कि इसमें अच्छाई भी है, लेकिन वे उनकी बुराइयों के लिए खंडन करते हैं। अब ये भी कहा जा सकता है जब किसी आदमी में अच्छाई है तो उसकी अच्छाई को न देखकर, उसकी अच्छाई को न कहकर उसकी बुराई को क्यों देखा जाए और उसकी बुराई की आलोचना क्यों की जाए, एक प्रश्न ये होता है कि हम किसी की बुराई न देखें किंतु उसकी अच्छाई देखें, और जो अच्छाई हमें दिखाई दे हम उसको ग्रहण कर लें, जो बुराई दिखाई दे उसको छोड़ दें। यहां तो अच्छाई को छोड़ दिया गया और बुराई पर ही साहब डट पड़े। तो ऐसा क्यों? सामान्य लोग भी प्रायः होता क्या है कि किसी में कोई अच्छाई है और मान लो उसमें थोड़ी बहुत गलती आ गई, समझ नहीं पाया या गलत काम कर लिया, कुछ गलतियां हैं,
तो दुनिया में होता क्या है कि लोग उसकी अच्छाई को न देखकर बुराई को देखते हैं, लेकिन बुराई को देखे और चुप रह जाए तो कुशल। नहीं, चुप रहना मुश्किल, तो उस आदमी को बताए भी देखो कि आप में इतनी अच्छाइयां हैं, इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप में ये थोड़ी त्रुटि रह गई है, ये थोड़े दोष आ गए हैं, आप जैसे सज्जन में ये त्रुटि ये दोष उचित नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है या मेरा निवेदन यही है कि आप इस दोष को दूर कर लें, इस त्रुटि को दूर कर लें, ऐसा उसी व्यक्ति को कहा जाए। तो त्रुटि देखना, दोष देखना, बुराई देखना नहीं होगा, किंतु उसके हित की बात बताई जाएगी, ऐसा तो नहीं किया गया, किंतु अच्छाई न देखकर बुराई देखी गई। अब बुराई देखी गई तो चुप तो रहा नहीं गया, दूसरों से निंदा की जाती है, अरे वो आदमी है ना बड़ा महात्मा के पास बैठने वाला, बड़ा सत्संग देता, लेकिन महाढोंगी आदमी है वो, उसमें तो ये बुराई है, आदमी निंदा करने लग जाता है। अब निंदा करने की दृष्टि से बुराई देखना महापाप है। पहली बात यह, किसी की बुराई मत देखो, देखते हो तो उसके सुधार के लिए प्रयत्न करो, नहीं कर पाते तो उसकी बुराई का प्रचार मत करो। बुराई का जितना प्रचार करोगे उतने ही तुम्हारे जीवन में, सुनने वाले के जीवन में और समाज में विकृति ही फैलेगी। सद्गुरु कबीर ऐसा नहीं करते, वे निंदा की दृष्टि से किसी की बुराई नहीं देखते, किंतु उसके सुधार के लिए उस बुराई को कहते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाओ, आदमी क्यों जाता है डॉक्टर के पास, कोई रोग होता है, छोटा रोग हो बड़ा रोग हो तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाओ तो ये नहीं पूछेगा तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना, तुम्हारा पैर तो ठीक है, आंख तो ठीक है, माथा तो ठीक है, वो पूछेगा तुम्हारा दर्द कहाँ है। शरीर भर में 90% हिस्सा तुम्हारा ठीक है, 2% हिस्सा गरीब है, हिस्सा खराब है, डॉक्टर उसी 2% को देखेगा, 98% को भूल जाएगा वो। और डॉक्टर ये देखेगा अरे तुम्हारा 98% तो ठीक है, क्या दवाई करूं, 2% खराब है, रहने दो ना कि 2% खराब, तो क्या होगा, वो 2% जो खराबी है ना 98% को खराब कर देगा। इसलिए डॉक्टर शरीर में 98% ठीक है उसको नहीं देखेगा, वो 2% जो खराबी उसी को देखेगा और उसी की दवा करेगा। सद्गुरु कबीर ऐसे डॉक्टर हैं कि जो ये देखते हैं कि कहां त्रुटि हो रही है और किस कारण से समाज में विकृति आ रही है, लोग भटक रहे हैं, उस भटकाव को दूर करने के लिए उस त्रुटि को देखते हैं और बताते हैं ये त्रुटि है और इस त्रुटि को दूर करो। निंदा नहीं है, सद्गुरु कबीर ने किसी की निंदा नहीं की, कबीर साहब जैसा साफ कहने वाला, खुल करके कहना, सबके बीच में कहने वाला बिरला ही मिलेगा। और उसके इस साफ कहने के कारण, किसी की गलती से समझौता न करने के कारण, सबके बीच में गलती कह देने के कारण बहुत लोग उनके दुश्मन बन गए। दुश्मन कौन बने, जिनका धंधा मारा जा रहा था, जिनका धंधा झूठाई पर ही चल रहा था, जो झूठाई के बल पर ही समाज को भटका रहे, झूठाई के बल पर ही समाज को शोषण कर रहे थे। ऐसे जो पुरोहित थे, चाहे हिंदुओं के पुरोहित हो चाहे मुसलमानों के पुरोहित हो, उनका धंधा मारा जा रहा था, तो वे लोग विरोधी हो गए। और विरोधी ही नहीं हुए, कबीर साहब की निंदा में भी डर पड़े, निंदा ही भी नहीं डरते,
कबीर साहब सताने का भी प्रयास उन्होंने बहुत किया। कबीर साहब के नाम से जो 52 कथनियां आती है उनमें अतिशयोक्तियां जरूर है, लेकिन ये पता चलता है कि कबीर साहब को कैसे कैसे तकलीफ दी गई और कैसे उनकी जबान को बंद करने की कोशिश की गई, उन्हें डगमगाने की कोशिश की गई, लेकिन न सदर कबीर डगमगाए न उनकी जबान बंद हुई। एक बात ख्याल करना, चाहे बीजक पढ़ो, चाहे साखी ग्रंथ पढ़ो, चाहे कबीर साहब के पद भजन पढ़ो, जिन लोगों ने सदगुरु कबीर को सताया उन लोगों को सदगुरु कबीर ने आधी जबान में भी निंदा नहीं की है, उनकी चर्चा ही नहीं की है मुझे ऐसे सताया गया है, मुझे ऐसे ऐसी पीड़ा दी गई है, कहीं कोई चर्चा नहीं। यही पहुंचे हुए संत का लक्षण है, यही पहुंचे हुए महापुरुष का लक्षण है, जो अपने सताए उस अपने सताए उसके लिए भी हित कामना, आधी जबान में भी उसकी निंदा न करना। अब पूरी कबीर वाणी में देखो जिन लोगों ने सताया कबीर साहब को कहीं उसका जिक्र ही नहीं है। साहब खंडन करते हैं, केवल बुराइयों का खंडन करते हैं ताकि समाज में अच्छाई का प्रचार हो। तो सदगुरु कबीर ने जितना खंडन किया है उतना खंडन किसी और ने नहीं किया। बुद्ध ने, महावीर ने अपने जमाने में अंधविश्वासों का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया और कुछ अंधविश्वास चमत्कार का भी विरोध किया, लेकिन जितना खुल करके विरोध सदगुरु कबीर ने कहा है एकदम साफ साफ उतना न बुद्ध ने कहा है और न महावीर ने कहा है। ये हमारा सदगुरु कबीर के प्रति कोई पक्षपात नहीं कि हम कबीरपंथी हैं इसलिए हम कबीर के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात की बात यहां नहीं है, एक हकीकत है। और जो कबीरपंथी नहीं है वो विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इतना खंडन होते हुए भी सदगुरु कबीर का खंडन विध्वंस के लिए नहीं, निर्माण के लिए। वे जानते थे कि कहां कहां तोड़ना है और कहां कहां जोड़ना है। सदगुरु कबीर केवल तोड़ना नहीं जानते, जोड़ने में भी उससे अधिक ज्यादा माहिर हैं, वो जोड़ना भी खूब जानते हैं। और ये जो साखी है सुनिए, सबकी निबेरी अपनी उसी जोड़ने के लिए है। यहां तक कहते हैं सबकी बातों को सुनो, आदमी का स्वभाव है वह अपनी बात सुनाना चाहता है लेकिन दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता है। हर कोई अच्छा प्रवक्ता बनना चाहता है लेकिन अच्छा श्रोता बनना कोई नहीं जानना चाहता। बोलने के लिए न भी आता हो तो भी माइक मिल गई तो समझते हैं कि मैं माइक पकड़कर 2 घंटे तक बोलते ही रहूं, चाहे गधा को घोड़ी कहूं चाहे घोड़ी को गधा कहूं, माइक मिलना चाहिए बस। तो सब के सब बड़े प्रवक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे श्रोता बनना कोई नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते सुनना कोई नहीं चाहता, और कोई कवि हो गया, कोई लेखक हो गया और कोई प्रवक्ता हो गया तो कहना ही क्या। उनके पास तो हिम्मत ही नहीं होती है कि हम दूसरे को सुन लें। किसी प्रवक्ता को समय दे दिया गया ना तो देखते हैं बार बार घड़ी कितना देर हो गया, उस बार बार घड़ी देखता रहेगा। अब उसका नंबर हो गया कि भैया घड़ी को निकालकर जेब में डाल लो, कह देगा वो, तो ऐसी स्थिति होती है। एक व्यंग है चाहे कहावत है कि एक आदमी
आगे आगे खुद तेजी से दौड़ता जा रहा था और उसके पीछे दूसरा आदमी उसे दौड़ता जा रहा था पीछा करते हुए उस आदमी पकड़ने के लिए, दोनों तेजी से दौड़ रहे थे। एक तीसरे आदमी ने देखा, पूछा भैया क्यों दौड़ रहे हो, क्या बात हो गई, क्या वो कुछ चुरा करके भाग रहा है क्या, क्या किसी को मारपीट करके भाग रहा है क्या। तो दूसरा आदमी था बिचार जो पीछे था, उन्होंने और वहां से होकर कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, चुराया भी कुछ नहीं है, मारा पीटा भी कुछ नहीं है। तब भी तो कहा आखिर क्यों भाग रहे दोनों, वो भाग रहा है तुम उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, आखिर कारण क्या है। तो क्या भैया देखो वो भी कवि है और मैं भी कवि हूं, और कवि तो कविता बनाता है। तो उन्होंने कहा अरे चलो आज हम दोनों बैठते हैं, मैं अपनी कविता सुनाता हूं और तुम अपनी कविता सुनाना। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात। तो उन्होंने अपनी कविता सुनाई और मैं एक घंटा तक चुपचाप सुनता रहा। अब जब मेरी बारी आई तो साला भाग रहा है, मेरी कविता सुनना नहीं चाहता है। तो ऐसा होता है कि आदमी अपना सुनाना चाहता है और वो सुनना नहीं चाहता, और ये आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है। अच्छा प्रवक्ता भले न बन पाओ, अच्छा श्रोता बनना चाहिए। जो अच्छा श्रोता बन जाता है वो अच्छा प्रवक्ता बन जाता है। और हम तो देखते हैं कई बार कुछ लोग आएंगे गुरुजी के पास मिलने के लिए, सुनते हैं कि महाराज जी आए, नाम भी सुने हैं पहले से, परिचित लोग अपरिचित लोग गुरु जी के पास सुनने के लिए आएंगे, देखने के दर्शन करने बैठने के लिए आएंगे। वो कहेंगे महाराज जी बहुत दिनों से आपका नाम सुना था, पुस्तकें भी पढ़ा था, बड़ी इच्छा थी आपसे मिलूं, कुछ आपसे सुनूं कुछ सीखूं, बस ऐसा कहेंगे बैठेंगे और अपना बोलना शुरू कर देते हैं। गुरु जी चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे, तब अब क्या करें। बहुत बार ऐसा होता है आधा घंटा तक बोलते रहेंगे और गुरु आधे घंटे में गुरु जी दो मिनट भी नहीं बोलेंगे, वो अपने यहां से चले जाएंगे और कहेंगे महाराज जी आपके सत्संग से बड़ा आनंद आया, और कहे अपना। तो ऐसा होता है गुरु जी को बहुत सुनना पड़ता है, चाहे अपरिचित चाहे परिचित लोग चाहे अपरिचित लोग। तो जो अच्छा श्रोता बन जाता है वो अच्छा श्रोता भी बन सकता है, और अच्छा श्रोता कोई बन गया वो अच्छा प्रवक्ता बन जाएगा, क्योंकि सुनते सुनते कई बात लोगों से अच्छी बात भी मिल जाती है। आखिर हम कहते क्या है, धैर्य रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, तो अपने भी तो आना चाहिए ना। शायद यहां कहते हैं सुनिए सबकी, प्रेम से दूसरे की बातों को सुनो, दूसरा आदमी क्या कहना चाहता है यदि हम उसकी बात सुनेंगे नहीं तो हमें मालूम क्या होगा, उसकी बात गलत है कि सही है। हर आदमी तो अपनी बात को सही मानता है, मैं अपनी बात को सही मानता हूं, सामने वाला व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता है मैं कह रहा ठीक 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 है मैं सब जानता हूं, मैं सब ऐसा करता हूं, बेचारो तो चुप हो जाएगा। कोई बोलना चाहा और हमने उसे चुप करवा दिया, उसके दिल को हम कभी जीत नहीं पाएंगे और उसके दिल में अपने लिए जगह बना नहीं पाएंगे। किसी के दिल को जीतना है तो उसकी बात चुपचाप मौन होकर के सुनो, एक बार दो बार तीन बार, फिर उसके दिल को आप अपने आप जीत लोगे, उसके दिल में आपके लिए अपने आप घर बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा आपको, उसे करना नहीं पड़ेगा। किसी को जीतना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, तो उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनो, इससे आपके मन में उस व्यक्ति के मन में आपके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। फिर जब आप उसकी बात सुन लोगे तब अपना सुनाओगे तो वो भी आपकी बात धैर्यपूर्वक सुन लेगा, उतने धैर्य से सुनेगा जितना धैर्य से आपने सुना है। तो परस्पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे की बात को सुनना जरूरी है, और फिर वो व्यक्ति कहना क्या चाहता है उसकी बातों को सुने बिना हमें मालूम ही क्या होगा,
सुनो तो पहले को कहना क्या चाहता है, उसकी बात गलत है तो कह दो भैया आप इतनी देर बात तो कही लेकिन मुझे ये बात इतनी ऐसी मुझे गलत लगती है, इस कारण से गलत लगती है। सुनने के बाद प्रेम से समझाओगे और बात गलत है तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो मान लेगा। और उसके बाद यदि सही है तो हम मान लें, बस मामला खत्म, समय में हो गया उनमें और हम में। तो साहब यहां कहते हैं पहली बात सुनिए सबकी, सबकी बात को सुनो, ये श्रद्धा का निर्वाह है, प्रेम का निर्वाह है। लेकिन साहब ये भी कहते हैं आंख मुन करके मानो मत, निवेरिए अपनी, यहां तर्क आ गया। सबकी बातों को प्रेम से धैर्यपूर्वक सुनना ये श्रद्धा की बात है, लेकिन अपना निवेदन करना, आंख मुन करके न मानना, छानबीन करना, उन्होंने ऐसा कहा तो क्या कितना सही है क्या कितना गलत है उस पर निर्णय करो। अब तो निर्णय ये तर्क की बात आ गई, बुद्धि की बात आ गई, अब निर्णय करने पर जो उचित लगे उसे मानो, अनुचित लगे उसे छोड़ दो। तो सबकी बातों में सुनने में अपने निवेदन करने में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का समन्वय होता है, और जहां श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय है वही विवेक का जन्म होता है, विवेक का उदय होता है। कोरी श्रद्धा अंध श्रद्धा आदमी को भटका देती है, और कोरी बुद्धि आदमी को कट्टु बना देती है, कुतर्की बना देती है, आदमी को भटका देती है। जो अंध श्रद्धा में भटक रहा है वो सत्य को नहीं पा सकता, और जिसके पास हर बात पर तर्क है वह भी सत्य को नहीं समझ सकता। सत्य को समझने के लिए श्रद्धा और तर्क दोनों की जरूरत है। आजकल क्या बहुत दिनों से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों में अंतर क्या है? पुरानी पीढ़ी के लोग या पुराना दिमाग रखने वाले लोग ये चाहते हैं कि धर्म की पुस्तकों में जो कुछ लिख दिया गया है उल्टा सीधा उस पर बिना तर्क किए उसे जो का त्यों आंख मुन करके मान लिया जाए। लिख दिया गया कि हनुमान जी सूरज को निगल गए, तर्क मत करो कि सूरज तो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 13 लाख गुना बड़ा है, एक आदमी से कैसे निकल गए, उसे निकल कैसे जाएगा, तर्क मत करो, लिखा है मान लो। राजा सगर की पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चे हो गए, ये धर्म पुस्तक में लिखा है इसलिए तर्क मत करो मान लो। ऐसे और बहुत सारी बातें हैं कि राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष तक राज्य ही करते रहे, आदमी 100 साल जीता है, 125 साल जीता है, कोई और चला गया तो 150 साल जी लेगा मान अधिक से अधिक। 11 अरब वर्ष तक राज्य करना ये संभव नहीं है, लेकिन लिखा है मान लो। लिखा तो ऐसे ऐसे गया है कि हद है। सब लोग जानते हैं कि कहावत है, कहावत क्या है, कहानी है, गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप लोग मालूम होना चाहिए जब शिव और पार्वती की शादी हुई तब तब दोनों ने गणेश पूजा की है, गणेश पूजा की है उसी की उसकी, शिव और पार्वती गणेश की पूजा की है अपनी शादी के समय, पैदा कब हुआ है ये तर्क मत करना, ये लिखा है धर्म की पुस्तक में मान लो इसको आंख मुन करके, तर्क मत करो। अब लिखने वाले बुद्धि की बलधारी जब उसके पुत्र है तो शादी के पहले उसके पूजा कैसे कर रहे हैं, तर्क मत कर। तो पुरानी पीढ़ी के लोग यही कहते हैं कि धर्मग्रंथ में जैसा लिखा है वैसा मान लो। हनुमान जी 100 योजन समुद्र को कूद गए,
ठीक है, हनुमान जी 100 योजन समुद्र को कूद गए, 100 योजन समुद्र का अर्थ होता है कम से कम 1200 किलोमीटर समुद्र को कूद गए। अच्छा चलो मान लेते हैं, हनुमान का कोई भगत 1 किलोमीटर कूद करके दिखा दे, हम मान लेंगे चलो कि हाँ वो हनुमान जी 100 किलोमीटर को कूद गए। तो ये लिखा होने तो कैसे मान लें? पुरानी पीढ़ी के लोग कहते हैं एक नहीं, जो लिखा है उस पर तर्क मत करो, जो कहती मानो। पूरा धर्मग्रंथ को लिखने वाले त्रिकालज्ञ थे, वो ईश्वर के, वो तो स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे, ईश्वर के पुत्र थे, पैगंबर थे, सब कुछ जानने वाले थे, अंतर्यामी थे, सर्वज्ञ थे, उनकी बात झूठ कैसे हो सकती है? इसलिए वो उल्टी सीधी सारी बातों को लोगों से मनवाने का प्रयास करते हैं। तो नई पीढ़ी के लोग जो पढ़े लिखे हैं, तार्किक किस्म के लोग हैं, वे कहते हैं यदि आपकी पुस्तकों में ऐसी ही बातें लिखी गई हैं और आप हमें इनको मानने के लिए कहते हैं तो हम आपकी पूरी पुस्तक ही नहीं मानेंगे, आपकी पूरी पुस्तक फेंक दो, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। पुस्तक में कोई भी पुस्तक हो उसमें कुछ अच्छी बात है तो कुछ बुरी बात है, अच्छी बात को ले लो, बुरी बात को छोड़ दो। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग जब हर बात को जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं तो नई पीढ़ी के लोग उसकी अच्छी बात को कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको भी छोड़ेंगे। सदगुरु कबीर दोनों का समन्वय करते हैं, वे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में खड़े हुए हैं, दोनों का समन्वय करते हैं। कहते हैं कि भाई नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी वालों को कहना चाहिए कि भाई देखो ये बातें जिस किसी कारण से लिखी गई हो अब उन बातों को छोड़ दो, ऐसी बातों को मत मानो। देखो कि इस धर्म ग्रंथ में या इस पुस्तक में कितनी कल्याणकारी और बातें हैं, सार तार और कितनी बातें हैं, उन बातों को ले लो, उन बातों को मानो। इस ढंग से जब प्रेम से समझाए तब नई पीढ़ी धर्म की बातों को मानने लगेगी और धर्म की पथ पर चलने लगेगी। वैसे ही आज आधुनिकता का बहाव है और आधुनिकता के बहाव में आकर के लोग धर्म भक्ति से वैसे ही हटते चले जा रहे हैं, उसमें लोग मना चाहते हैं अपनी गलत बात को तो उन्हें और चिढ़ हो जाती है। फिर न वो महात्माओं के पास आते हैं, न कथावाचकों के पास आते हैं, न मुल्ला मौली पंडित पुरोहितों के पास आते हैं, उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। सदगुरु कबीर रास्ता बताते हैं कि गलत का त्याग और अच्छाई का ग्रहण। चावल के साथ में भूसी भी लगी हुई है तो हम पूरे पूरे धान को उठा करके न फेंक दें। ठीक है, चावल के साथ में भूसी है तो उसे कूट लो और कूट करके भूसी को फेंक दो, चावल को ले लो। ऐसा भी क्या है, किसान खेत में धान बोता है और यदि तुलना करो तो पैरा जितना होता है 3 हिस्सा पैरा होगा तो मुश्किल से 1 हिस्सा धान होता होगा, बल्कि और कम होता होगा। लेकिन 3 हिस्सा पैरा उसको छोड़ दिया जाता है और 1 हिस्सा धान को ले लिया जाता है। सरग्राही बनने की जरूरत है लेकिन उसके लिए पुरानी पीढ़ी को उदार होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा बेटा यदि ये पुस्तक धर्मग्रंथ इसको पढ़ो, इसमें से जो जो गलत बात लगे तुम उसको बिल्कुल छोड़ते चले जाओ और जो अच्छी बात लगे उसको लेते चले जाओ। तो ऐसा हो जाएगा तो धर्म का उद्धार हो जाएगा और नई पीढ़ी जो धर्म से बिदक रही है, भक्ति सत्संग से बिदक रही है, वो भक्ति सत्संग में ज्ञान के मार्ग में वो नई पीढ़ी लग जाएगी। साहब रास्ता ही बताते हैं, सुनिए सबकी, निवेदिए अपनी, सबकी बातों को सुनो और निवेदा अपना करो। तर्क
अपना लगाओ, निर्णय अपना करो क्या सही और क्या गलत। इसमें श्रद्धा और तर्क दोनों का समन्वय हो जाता है और ऐसा किए बिना सच्चा ज्ञान मिल नहीं सकता। हम चमत्कार के बल पर, मिथ्या महिमा के बल पर, अंधविश्वास के बल पर, ईश्वर वाणी का दुहाई देकर, महापुरुषों की दुहाई देकर, अपरसे वाणी की दुहाई देकर के अपनी गलत बात मनवाना चाहे तो कब तक मनवाएंगे? हम फेल हो जाएंगे। तर्क दे करके कहें भैया जितना तुम कसौटी कर सकते हो उतनी कसौटी करो, अरे आपका हीरा है, आपका सोना है, जितनी कसौटी की जाएगी उतने ही उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। अब कसौटी नहीं करो कि नहीं भैया हम कह रहे हैं ये सोना है इसलिए सुनिए मान लो, कसौटी पर कसो मत, इसे आग में तपाओ मत, तो लोग विश्वास क्यों करेंगे? वो कहेंगे भैया हम तो कसौटी एक बार कसेंगे, हम आग में तपाएंगे, देखेंगे कि आपको सोना सचमुच में सोना है कि नहीं। हमें लगेगा कि अरे तो पीतल होगा हम छोड़ देंगे, अगर सोना है तो हम उसको खरीद लेंगे। इस प्रकार से छूट दें नई पीढ़ी को तो नई पीढ़ी धर्म से बिदकेगी नहीं, छूट देना ही नहीं चाहते तो धर्म से उसका बिदकना ही बिदकना है। तो तार कहते हैं सुनिए सबकी निबिरिए अपनी, सबकी बातों को सुनो, सब बातों को सुनोगे तो श्रद्धा का निर्वाह हो जाएगा। निबेरा अपना करो, निर्णय अपना करो तो तर्क का निर्वाह होगा और फिर तर्क और श्रद्धा दोनों से विवेक उदय होगा और विवेक से ही सत्य ज्ञान समझ में आएगा और विवेक से ही आदमी का कल्याण हो सकेगा। बाजन दे बाजन तरी तू कल कुक ही मत छेर, तुझे बिरानी क्या परी तू अपने आप निवेद। बाजन दे बाजन तरी, ये बड़े बड़े बाजा जो बज रहे हैं इन्हें बजने दो, तू अपना ये कमजोर बाजा छेड़ मत, अपने कमजोर बाजा को बजा मत। अर्थ है ये जो विवादी लोग हैं, झगड़ालू लोग, उन्हें झगड़ने दो, तू तो शांति प्रिय साधक है, शांति चाहता है तो तुम शांत रहो, कुक ही मत छेड़। ये जो बनमुर्गे हैं, बनमुर्गे के समान झगड़ालू, इन्हें छेड़ मत, तुझे बिरानी क्या पड़ी, तुझे औरों से क्या मतलब, वो झगड़ा करते हैं विवाद करते हैं करने दो, तू अपने आप निवेद, तो अपने आप निवेदा क्यों नहीं करता, अपने आप को वासनाओं के जाल से, कल्पनाओं के जाल से, बंधनों के जाल से छुड़ाते क्यों नहीं, तू खुद का निवेदा कर, कौन समझा सका है दुनिया को। यहां तक कहते हैं बाजन दे बाजन तरी, बाजा बजाने वालों को बाजा बजाने दो, अर्थ है विवाद करने वालों को विवाद करने दो, तुम विवादी के पीछे बढ़ो मत। सदगुरु कबीर स्वयं तर्क करते हैं लेकिन विवाद नहीं करते, विवाद करना अलग, तर्क करना अलग। विवाद समझने का रास्ता नहीं है, जो समझदार होगा वो विवाद नहीं करेगा। अहंकारी आदमी ही विवाद करता है और अहंकारी आदमी कुछ सीख नहीं सकता, इसलिए सदगुरु कबीर ने स्वयं कहा है जहां गाहक तहां हौ नहीं, हौ तहां गाहक नाही। जहां ग्राहक बुद्धि है, समझने की बुद्धि है, समझने की क्षमता है, वहां अहंकार नहीं।
और जहां अहंकार है वहां ग्रहण बुद्धि नहीं है। अहंकारी आदमी को सीख नहीं सकता, अहंकारी आदमी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर तर्क करते हैं, विवाद नहीं करते, वे विवाद से दूर रहते हैं। यहां वे समझाते भी हैं कि देखो, विवाद करके किसी को सत्य समझाया नहीं जा सकता। सत्य को समझने और समझाने का तरीका विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करना और उत्तर देना है। समझना चाहते हो किसी से तो विनम्रता पूर्वक जाओ, और विनम्रता पूर्वक जाकर विनम्र बन करके ही प्रश्न करो, जिज्ञासा रखो सामने, और जब जिज्ञासा रख लिए तो शांत होकर के बैठो। जो बोल रहा है, कह रहा है, उसकी बात को शांत होकर के सुनो। बीच बीच में कुतर्क मत करो, कुतर्क करोगे तो सामने वाला चुप हो जाएगा, फिर तुम्हें सत्य मिलेगा नहीं, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान नहीं होगा, शंका का समाधान नहीं होगा। यहां तक कहते हैं कि बाजन दे बाजंतरी, ये जो बाजा बजाने वाले लोग हैं उन्हें अपने बाजा बजाने दे, जो विवाद करने वाले लोग हैं, झगड़े हैं, झगड़ालू लोग हैं, झगड़ा करके अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसके पीछे मत पर, उन्हें झगड़ने दे, विवाद करने दे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वे चाहते हैं कि हम विवाद करके दूसरों को परास्त कर दें, दूसरों की बोलती हम बंद कर दें। ऐसे लोग महाअहंकारी होते हैं। शास्त्रार्थ करना, विवाद करना, ये सत्य को पाने का रास्ता नहीं है, ये कल्याण का रास्ता नहीं है। शास्त्रार्थ में तो वही विजयी होता है जो चतुर चालाक होता है, खरखर भर भर करना चाहता है। पहले जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और शास्त्रार्थ में समझना समझाना नहीं, समाज में अपनी धाक जमाना, बर्बरता पूर्वक एकदम बोलते जाना और सामने वाले चुप करा देना ताकि हमारी धाक जमे। ये रास्ता गलत, अनपढ़ देहाती गवाई लोग लाठी लेकर के लड़ते हैं, लाठी चलाते हैं, विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते हैं, बात दोनों एक है। उनके पास लकड़ी की लाठी है, उसके पास जबान की लाठी है, बस। तो शास्त्रार्थ समझने का रास्ता नहीं है। हाँ, कोई कहे कि मैं आपको शास्त्रार्थ करना चाहता हूं तो चुप रहो, भैया जो पूछ लो। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। महात्मा ने कहा क्यों क्यों कर शास्त्रार्थ करना चाहता हूं? नहीं नहीं, मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो फिर महात्मा ने कहा, शास्त्रार्थ करना चाहते हो, कोई उद्देश्य तो होगा, कोई कारण तो होगा, बिना कारण तो शास्त्रार्थ करोगे नहीं, आखिर कारण क्या है, चाहते क्या हो शास्त्रार्थ करें? तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करके आपको हराना चाहता हूं, और लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैंने अमुक महात्मा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। महात्मा ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, इसमें शास्त्रार्थ करने की जरूरत क्या है, मैं अपने हाथों से लिख देता हूं कि मैं अमुक से शास्त्रार्थ में अमुक जीत गए और मैं हार गया, फिर तुम जहां जाओ, जहां जहां चाहो चाहो वहां लोगों को दिखा दो। जब महात्मा से कहा तो सामने वाले व्यक्ति चुप, अब तब क्या करेगा, जो अपनी हार स्वयं मान लिया, जो स्वयं हार मानने को तैयार है उसको कौन हरा सकता है? जिसके अंदर जीतने की कामना है
उसी को हराया जा सकता है। और जो स्वयं हारने तैयार है उसे कौन हराएगा? कहीं किसी मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता जब आ जाता है तो अन्य मोहल्ले के कुत्ते उसे सब घेर लेते हैं, भूखते हैं, चबाते हैं, और वो कुत्ता भी भूखता है, जहां दांत निकालता है तब तक उसे करते हैं, और ये सब भी सब करते हैं। और वो दूसरे कुत्ते मोहल्ले कुत्ता आया है ना, अपने पूंछ को गिरा लिया, दुबक गया, सब कुत्ते दूसरे चुपचाप बेचारे अब पड़ा, अब क्या करेगा वो? जहां कुत्ता अपने पूंछ गिरा करके चुपचाप समेट लिया, अब दूसरे कुत्ते के कुछ चलने वाला नहीं, उसको खुद ही हार गया। तो ऐसा तो झुक जाओ, विनम्र बन जाओ, तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यहां तो आप कहते हैं बाजन दे बाजन तेरी, ये जो विवादी लोग हैं, झगड़ालू लोग, उन्हें झगड़ा करने दे, उनके पीछे पड़ मत, छेड़ मत उनको। कुछ देर पर छेड़ोगे नहीं तो कुछ देर पश्चात वे अपने आप शांत हो जाएंगे। कोई ऐसा भी कह सकता है तुम्हारा सिद्धांत तो है गलत, तो कोई आदमी अपने सिद्धांतों को गलत तो मानेगा नहीं। कोई आया सामने और कहा आपका सिद्धांत गलत है, तो आपने कहा कि नहीं हमारा सिद्धांत गलत कहता, हमारा सिद्धांत तो बिल्कुल सही है। तो आदमी यदि ये कहता है तुम्हारा सिद्धांत सही है तो तुम अपने सिद्धांत को सबको मनवा क्यों नहीं पाते? तुम्हारा सिद्धांत सही है यह है, या मैं तब मानूंगा जब तुम सब लोगों को अपने से अपने सिद्धांत की बात मनवा लो। तो ऐसे भी आदमी से क्या करो, तो उसे कहा जा सकता है भाई ठीक है चलो मेरा सिद्धांत इसलिए गलत ठहरता आपकी आपके हिसाब से कि मैं अपनी बात अपने सिद्धांत को सबसे जबरदस्ती मनवा नहीं सकता, मेरा सिद्धांत तो गलत हो गया। आप तो ये मानते हैं ना कि आपका जो सिद्धांत है वो सही है, तो क्या आप अपने सिद्धांत को सबको मनवा सकते हो जबरदस्ती? कौन मनवा सका है? जबरदस्ती कोई किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकता, तो उसका सिद्धांत भी गलत हो गया। तो विवाद करने वाले जो लोग आए उसे विवाद मत करता, तू कल को ही मत छेड़, तू शांति प्रिय साधक है ना, तो अपनी शांतिपूर्वक साधना कर, अपने भजन का कल्याण का काम कर, विवाद में क्यों पड़ता है? ये जो बनमुर्गे हैं इसका काम ही है, बनमुर्गा जब बोलता है पुक 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 तो बीच में दिन भर बोलता ही रहता है, उसे बोलने दे। ये जो विवादी लोग हैं ये लोग बनमुर्गे हैं, इनकी जुब में और जबान में और गाल में इनकी हो गई है खुजली, बिना बोले हुए खुजली ठीक नहीं होगी इनकी, इसे बोलने दो इसको। तो छेड़ मत इन लोगों के, इनके पीछे पड़ मत, इनके पीछे पड़ोगे तो तुम्हारी शांति नष्ट हो जाएगी, इसलिए शांत रह। तुझे बिरानी क्या पड़ी? साहब कहते तुझे बिरानी दूसरे से क्या मतलब, और झगड़ा कर रहा है करने दो, किसके किसके पीछे पड़ गए? कौन दूसरों के पीछे पड़कर समझा सका है दूसरों को? सुनने वाला आता है, समझना चाहता है, पूछता है, तो बता दो अपनी बात, माने या न माने उसकी मर्जी, पीछे क्यों पड़ते हो? तू अपनी आप निबेर, साहब कहते हैं तू अपने आप का निबेरा कर, तू तेरे मन में जो वासनाएं हैं, तेरे मन में जो विकार हैं, उन विकारों का त्याग कर, तू बंधनों से जो घिरा हुआ है उन बंधनों का त्याग कर, और इससे तुम्हें शांति मिलेगी। और यदि विवादियों के पीछे पड़ गए तो शांति से तो तू रह तो पाएगा नहीं, साधना का काम भी छूट जाएगा। लड़ने के लिए आए तो शांत रहो, विवादी आदमी को हराने का दो रास्ता है, या तो एकदम शांत रहो, बिल्कुल मौन, बोलो ही मत कुछ, कुछ देर में वो बड़बड़ाए, कुछ देर तक बड़बड़ाएगा वो, अंत में उसे चुप हो जाना पड़ेगा। एक रास्ता यह है विवाद से बचने का। दूसरा रास्ता है कि जब वो कोई वो बात कहे, कुछ पूछे, तो अपनी ओर से कुछ मत करो, जो वो कह रहा है
उसी में प्रश्न पर प्रश्न करते जाओ, जो प्रश्न किया तो उसके प्रश्न पर प्रश्न कर दो, जो कुछ कहता है उसी पर तर्क करते जाओ। अपना सिद्धांत कुछ मत बताओ कि मैं क्या मानता हूं, ये सही कि वो गलत, वैसे कुछ नहीं, जो वो कह रहा है उसी पर प्रश्न करते जाओ। जब प्रश्न पर प्रश्न करते जाओगे तो अंत में वो हार करके चुप हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति की बात को समझना होगा, उसके सिद्धांत को मानना पड़ेगा, समझना होगा कि आखिर ये क्या मानता है, इसकी मान्यता क्या है, उसको समझना होगा। और अपने पास प्रगल बुद्धि होनी चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए कि बात को पकड़ने का रहेगा और बात को बदलने का एक रास्ता होना चाहिए। अपने पास कुछ भी नहीं है, कुत्ता ने सियार बोल दिया रात में तो कमरा बंद करके दबक गए और कह रहे मैं तो शेर से कर लूंगा, लड़ाई लड़ लूंगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। एक आदमी ने कहा, भैया जानते हो क्या, अरे मेरे दादा थे ना, बड़े वीर थे मेरे दादा, बड़े वीर थे। कि अच्छा क्या हुआ, तो एक बार मेरे दादाजी शेर से भिड़ गए निहत्थे, शेर आया शेर से मेरे दादाजी भिड़ गए निहत्थे, तो क्या हुआ, शेर ने मेरे दादा को फाड़ करके खा गया। ये कोई वीरता है, ऐसी वीरता काम में नहीं आएगी। तो लोग डिंग हाँकते हैं कि तो वीरता हो, सचमुच में वीरता हो तब समझ में आएगी। अब वीरता कुछ नहीं है। एक आदमी ने कहा, मेरे जो दादा थे बड़े अच्छे थे, वो बड़े तैराक थे, खूब जानते थे तैरना। एक बार हुआ क्या कि हमारे गांव में जो बड़ा सा तालाब है उसमें लगातार 3 दिन और 3 रात तक 72 घंटे तक वो तैरते रहे, उन्होंने 72 घंटे तक तैरने का रिकॉर्ड बनाया था, ऐसे तैराक थे हमारे दादाजी। दूसरे ने कहा, अरे बस मेरे दादा भी ऐसे बड़े तैराक थे, और मेरे दादाजी आज से 50 साल पहले समुद्र में तैरने गए थे और तब से तैर ही रहे, तक लौट के घर ही नहीं आए मेरे दादाजी। तो ये वीरता काम नहीं आएगी। वीरता असली सचमुच में अपने में वीरता हो, अपने बुद्धि हो, प्रतिभा हो, क्षमता हो, तब उसके प्रश्न पर प्रश्न करो, नहीं तो मौन रहो। ये मौन दूसरे को हराने का रास्ता यही है। शाह जी यहां कहते हैं सदगुरु कबीर कि बाजन दे बाजन तरी तू कलपुखी मत छेड़, तुझे बिरानी क्या पड़ी तू अपने आप निवेर। ये जो झगड़ालू लोग हैं, विवादी लोग, इन्हें झगड़ने दो, बकबक करने दो, इनके पीछे पड़ो मत। जितना इनके पीछे पड़ोगे उतना ये बकबक और करेंगे, विवाद करेंगे, और उससे तुम्हारी शांति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी साधना भंग पड़ जाएगी, तो तुम साधना भक्ति का काम कर नहीं पाओगे। साधना भक्ति का काम तो तभी हो पाएगा जब शांति रहेगी। अब तू है शांतिप्रिय साधक, निर्माणी साधक, तो इन्हें छेड़ते क्यों, छेड़ो मत इनको, अपने आप शांत होंगे। तुम ये क्यों समझते हो कि मैं नहीं बोलूंगा तो दूसरे लोगों का पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ताकते हैं तुझे बिरानी क्या पड़ी, तुझे औरों की चिंता क्यों है, तो क्यों औरों के पीछे पड़ा हुआ है। जिसकी गरज होगी समझने की, जिसकी गरज होगी कल्याण करने की, विनम्र बनकर तुम्हारे पास वो आएगा, अब पूछेगा, अब पूछ करके अपने साधना में लगेगा। तो अपने आप निवेद, तेरा काम है अपने आप का निवेदा करना, अपने वासनाओं का, अपने दुर्गुणों का, अपने विकारों का, अपने बंधनों का त्याग करना, सबसे अपने आप को छुड़ा लेना, ये तुम्हारा काम है। और ये तुम्हारे अधिकार में, तुम ऐसा कर लिए, तुम्हारा काम बन गया बस। तुम जब अपने कल्याण का काम करोगे तो तुम्हारे देखे देखी और लोगों को भी साथ आएगा, और फिर वो लोग भी इसी प्रकार से शांतिपूर्वक साधना भक्ति का काम करके अपना का कल्याण कर लेंगे। इसलिए दूसरे के पीछे मत पर, अपने आप पर निवेदा कर, और यही
कल्याण का रास्ता है।